टीम इंडिया के लिए आज बहुत अच्छा दिन रहा, श्रीलंका को हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त भी टीम इंडिया ने हासिल कर ली। रविचंद्रन अश्विन ने सबसे तेज 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी आपने नाम कर लिया, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के ऐलान की, जिसका ऐलान थोड़ी देर पहले हुआ है। और खबर यह है कि विराट कोहली इस सीरीज में कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे। विराट कोहली ने पहले ही रेस्ट मांगा था, तो विराट कोहली वनडे सीरीज में करेंगे रेस्ट, रोहित शर्मा करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। जी हाँ, वनडे के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हो गया है। श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, उसके बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी। 3 वनडे मैच की यह सीरीज होगी और उसमें कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। विराट कोहली को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है, सिद्धार्थ कौल टीम में नया चेहरा है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, केदार जाधव, तमाम खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली, उनको आराम दिया गया है। पहले ही विराट कोहली के बारे में कहा जा रहा था कि वो वनडे सीरीज और T20 सीरीज से आराम ले सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह मौजूद है। मनी सर, विराट कोहली के बिना टीम इंडिया को सीरीज खेलनी है, कैसे आप देख रहे हैं टीम इंडिया को? देखिए, जिस तरह की लय पकड़ी हुई है इंडियन टीम में, इतनी ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। और रोहित शर्मा भी ऐसा नहीं है कि इनएक्सपीरियंस कैप्टन है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पिछले 3-4 साल से वो कैप्टनसी कर रहे हैं और उनकी कैप्टनसी में 2 बार मुंबई इंडियंस ने खिताब भी उठाया IPL का। सो वो कॉन्फिडेंस होगा रोहित शर्मा को भी। सो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आप ऐसी फिजिकली टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जिसके अगेंस्ट लगता नहीं कि आप हार सकते हैं। सो ये आराम बहुत ज़रूरी था, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और मुझे लग रहा था कि शायद तीसरे टेस्ट मैच में भी उनको आराम दे दिया जाए, लेकिन जिस तरह की लय में है, शायद एक और टेस्ट मैच खेल लेना चाहते हैं और फिर वो आराम उनको काम करेगा, उनका कारगर साबित होगा जब साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाएंगे, क्योंकि रिजुविनेट होना बहुत ज़रूरी है। लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं, IPL से अभी तक एक भी ब्रेक नहीं लिया विराट कोहली। जी हाँ, बिल्कुल, एक मच नीडेड ब्रेक मनी सर इसको कह सकते हैं विराट कोहली के लिए, क्योंकि लगातार क्रिकेट खेलते जा रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ कौल को टीम में जगह दी गई है, उनके लिए कुछ चांस बन पाएगा? आपको लग रहा है कि सिलेक्शन कमेटी अभी भी चांसेस देने के मूड में है कि जब तक श्रीलंका की सीरीज चल रही है आप नए खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं? सिर्फ ये बात नहीं है कि श्रीलंका की अगर सीरीज चल रही है तो नए खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं। आई थिंक सिद्धार्थ कौल की अगर आप देखें पिछले 3-4-5 साल से उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी में खूब विकेट्स लिए उन्होंने, और जब भी इंडिया ए के लिए भी उनको मौका मिला है उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूं कि ये सिलेक्टर्स राहुल द्रविड़ से बात करते होंगे, उनसे पूछते होंगे कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे आने वाले टाइम में इंडिया के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ हैं जो U19 के कोच हैं या इंडिया ए टीम के कोच हैं, और उनको बेहतर पता होगा कि इन खिलाड़ियों में कितना दमखम है। क्योंकि एक तो चीज़ है परफॉर्म करना, एक इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आप प्रेशर्स को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल द्रविड़ से बातचीत करते रहना बहुत जरूरी है। आई होप उन्होंने की हो, लेकिन सिद्धार्थ कौल डिजर्व करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने IPL में गेंदबाजी की थी, ईशान शर्मा के साथ सनराइजर्स हैदराबाद में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी, क्रूशियल मोमेंट पे उन्होंने विकेट लिए थे, उनके लिए जरूरी था कि उनको मौका मिले ही मिले और फाइनली उनके लिए वो चांस आ गया। लेकिन मनी सर, रोहित शर्मा, उनके लिए एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब से ओपनिंग में आए हैं बल्लेबाजी में जमकर रन बनाए हैं, कप्तानी हमने उनकी IPL में देखी सुपर रही है, लेकिन 50 ओवर गेम के लिए एक नया चैलेंज रोहित शर्मा के सामने। देखिए, लेकिन कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है सो इसलिए इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि आप पहले धोनी के अंडर खेले हैं, आपने देखा है वो किस तरह से टीम को हैंडल करते हैं, फिर विराट कोहली के अंडर खेले हैं आप, उनको पता है कि उन किस तरह से हैंडल किया जाता है, कैप्टनसी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो वो एक्सपीरियंस रोहित के पास है, क्योंकि 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेल चुके हैं, 2007 में T20 में उनका डेब्यू हुआ था। सो आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत है और ज्यादा परेशानी उनको होनी नहीं चाहिए। जी हाँ, चलिए एक नजर डाल लेते हैं टीम इंडिया पर, टीम इंडिया किस तरीके से नजर आ रही है, ये हम आपको दिखाते हैं जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ है श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए। रोहित शर्मा कप्तान होंगे, शिखर धवन हैं, श्रेयस अय्यर टीम में उनकी मौजूदगी बनी रहेगी, मनीष पांडे, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आएंगे। इसके अलावा MS धोनी, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड है, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, तमाम खिलाड़ी हैं जो कि वनडे सीरीज में नजर आएंगे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और सिद्धार्थ कौल इस टीम का नया चेहरा है।
इसके अलावा साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान थोड़ी देर के बाद किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का दौरा बेहद अहम दौरा, श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद भारत को साउथ अफ्रीका जाना है। 5 जनवरी को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और उसके लिए भी टीम इंडिया का ऐलान अब से थोड़ी देर के बाद होने वाला है। 17 खिलाड़ियों का चयन किया जा सकता है। दौरे में 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, पहले 4 टेस्ट मैचेस की बात थी, बाद में 3 किए गए, 6 वनडे, 3 टी20। काफी बड़ा दौरा है, लेकिन सबसे पहले जो टीम चुनी जाएगी वो टेस्ट मैचेस के लिए चुनी जाएगी और 17 खिलाड़ियों का चयन हो सकता है इस दौरे के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज भारत के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा, जिसमें भारत को 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। श्रीलंका के खिलाफ जो तीसरा टेस्ट मैच है उसमें शिखर धवन की वापसी हुई है, ज्यादा कुछ बदलाव उसमें नजर नहीं आया, लेकिन ये एक बहुत ही अहम दौरा है साउथ अफ्रीका का। 5 जनवरी को भारत पहला टेस्ट मैच खेलेगा और 17 सदस्य टीम का ऐलान हो सकता है इस दौरे के लिए। मनी सर, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन यह है कि ओवरऑल जो टीम है श्रीलंका दौरे पर खेल रही है वही टीम होगी। अब सवाल यह है कि क्या हम संभावित खिलाड़ी दिखा रहे हैं, शिखर धवन होंगे, मुरली विजय होंगे, लोकेश राहुल होंगे, इन तीनों के ऊपर तो ओपनिंग की जिम्मेदारी होगी। इनमें से 2 खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, विराट कोहली कैप्टन होंगे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ये तमाम टीम हम आपको दिखा रहे हैं। रिद्धिमान साहा हैं, आर अश्विन हैं, रविंद्र जडेजा हैं, इसके अलावा ईशान शर्मा, भुवनेश्वर कुमार। मनी सर, सबसे बड़ा सवाल ये, क्या 3 स्पिनर्स लेके भारत को जाना चाहिए या फिर 2 स्पिनर्स ही काफी है? नहीं, मुझे लगता है 2 ही स्पिनर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई पिच वहां पर मिलने वाली नहीं है जहां पर कि स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिले। प्रॉबेबली ये जो 17 खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, 17 खिलाड़ी होंगे स्क्वाड में, ऐसा हो सकता है कि 5 फास्ट बॉलर्स हों, क्योंकि वहाँ पर आपको तेज तरार पिचेस मिलने वाली हैं जहाँ पर बॉल सीम अराउंड करेगी और उछाल भरी पिचेस होंगी। ऐसे में शायद 5 फास्ट बॉलर्स होंगे, 4 फास्ट बॉलर्स, 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और 2 स्पिनर्स, मुझे लगता है कि वो बेहतर कॉम्बिनेशन होगा। और फिर बाकी आप 3 आपके ओपनिंग बैट्समैन और बाकी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। जी हाँ, और इस समय सिलेक्शन कमेटी के सामने तो सबसे बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि जसप्रीत बुमराह या शार्दुल ठाकुर, इनमें से किसको ले जाना है। चलिए बात टीम इंडिया की जीत की भी करते हैं। लंका के खिलाफ टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली।